हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैक्ट शेयर के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पैराडीप फॉस्फेट और जीएनएफसी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर। आज के सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला और उसी में से एक है फैक्ट, जहां पे कि 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था। इस स्टॉक को लगातार हम लोग यहां पे कवर करते आ रहे हैं। स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिला और लास्ट वन ईयर की अगर बात करेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है। 474% का स्टॉक ने यहाँ पे एक शानदार रिटर्न बना के दिया है और स्टॉक जो है लास्ट वन ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग लास्ट फाइव ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक ने 1719% का रिटर्न दिया है, यानी कि स्टॉक जो है प्रीवियस फाइव ईयर में 17 टाइम्स का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। 34 रुपीज के लेवल पे स्टॉक जो है 2018 में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद से स्टॉक में हम लोगों को शानदार तेजी देखने को मिला। तो आखिर आज के सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिला, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों को पता है इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और इसराइल जो है वो आपको वर्ल्ड का 6th largest प्रोड्यूसर है फॉस्फेट फर्टिलाइजर का। पोटास फर्टिलाइजर का जो है वो आपको 6th largest प्रोड्यूसर है। सेकेंड नंबर पे है रसिया। रसिया में भी युद्ध की वजह से जो है, जो यूक्रेन के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में जरूर जो है यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, इंटरप्शन यहाँ पे भी हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है बट यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ा है वर्ल्ड मार्केट के ऊपर। और अब जो है इसराइल भी इसमें आ चुका है, अभी वहां पे भी कंटिन्यूसली आपको युद्ध हो रहा है और इसी वजह से जो इसराइल का एक एक्सपोर्ट हब है एडहॉक एसडॉट पोर्ट जो है वो आपको इमरजेंसी मोड पे अभी काम कर रहा है और वहां पे जो है ज्यादा युद्ध के लिए जो भी चीजें जरूरी है पहले उस चीज को देखा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी मोड वहां पे एक्टिव है और इसकी वजह से जो है आपको कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है और इसी वजह से फर्टिलाइजर्स के स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल हम लोगों को आज के सेशन में देखने को मिला। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग फैक्ट शेयर के ऊपर। अगर हम लोग फैक्ट शेयर में बात करेंगे तो स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फाइनली स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे स्टॉक जो है आपको कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे की साइड से स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा था और अब जो है स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो ब्रेकआउट आने के बाद अगर बात करेंगे तो स्टॉक में शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिला, बेटर होगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। याद होगा मैंने आपको एक बात बताया था, जो यहाँ पे भी जब तेजी हुआ था उसके बाद देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल पे एक अच्छा एंट्री मिला था बट अगेन उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको इसी रेंज में ट्रेड किया और फाइनली आज जाके ब्रेकआउट दिया। वंस अगेन हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेट हो सकता है, यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। स्टॉक कल परसों के सेशन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, उसके बाद आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी आप एंट्री ले सकते हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस पे आपको एंट्री नहीं लेना है क्योंकि आपका रिस्क जो है यहाँ पे काफी बड़ा है और ऊपर की साइड में जो है रिवॉर्ड उतना ज्यादा अभी आपको फेवरेबल नहीं है, इसी वजह से जो है इस स्टॉक में थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, आप यहां पे कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में आने वाले दिनों में और भी शानदार तेजी देखने को मिल सकता है और बहुत से लोग अच्छे प्रॉफिट में हैं, 300-400% के प्रॉफिट में हैं, तो आप यहां पे डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। लगातार तेजी स्टॉक शो कर रहा है, स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में भी है।
चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है पैराडीप फॉस्फेट। सबसे पहले अगर इसके मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग के बाद वापस से स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट होता हुआ दिख रहा है। अभी करेंटली अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है प्रीवियस मंथ के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन अभी तक के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो प्रीवियस वीक में जो है हम लोगों को यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था। उससे प्रीवियस वीक में स्टॉक में जरूर एक ब्रेकडाउन हुआ था, बट स्टॉक जो है यहाँ पे 65 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जब स्टॉक ऊपर की साइड में जो है 75 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड ट्रेड करना स्टार्ट करे। अभी स्टॉक जो है इस रेंज में और भी ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकता है। 65 to 75 के रेंज में जो है स्टॉक यहाँ पे प्रीवियस ऑलमोस्ट 2 मंथ से ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर स्लो एंड स्टडी यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद 75 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है होल्ड कीजिए, फ्रेश पोजिशन 75 के लेवल के ऊपर बनाना है, अभी आपको नहीं बनाना है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है GNFC। स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने इस लेवल पे आपको एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और उसके बाद स्टॉक लगातार इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे जरूर आपको एक बार के लिए हिट किया बट आपको ब्रेकआउट नहीं दे पाया, वापस से यहाँ पे हिट किया, अगेन यहाँ पे भी देखेंगे ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और अब जो है यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से जो है एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, इनफैक्ट रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे इस स्टॉक में हो चुका है और अब जो है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो मंथली चार्ट में भी स्टॉक में हम लोगों को एक बुलिशनेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 500 के लेवल के ऊपर, उसके बाद स्टॉक में शानदार तेजी हुआ, स्टॉक रिट्रेस बैक किया और अब जो है स्टॉक में वापस से हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक अब ऊपर की साइड में अगेन फ्रेश अप मूव स्टार्ट कर सकता है। इसी वजह से इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इस स्टॉक में जो है आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है 595 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर की साइड में जो है 750 उसके ऊपर अगर निकलता है तो 850, ये सभी लेवल्स जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।